अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। पहले लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 1 के जुमला नंबर 1 को ट्रांसलेट किया था। हमें काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि कुछ जुमले कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें क्लॉजेज फ्रेजेज वगैरह काफ़ी होती हैं। तो कैसे हमने उनको पहले लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करना होता है और बाद में कैसे उनको मरबूत तरीके से उर्दू कवायद को सामने रखते हुए बा मुहावरा जुमले में हमने ट्रांसलेट करना होता है, ये हमने सीखा था। आज हम इस लेक्चर में पैराग्राफ नंबर 1 दूसरे सेंटेंस से शुरू करेंगे इसकी ट्रांसलेशन को। इट्स स्टारी स्काई, इट्स मीन कि वो जो सरजमीन है अरेबिया की उसके स्टारी, इट्स मीन उसके स्टारी, स्टारी मीन फुल ऑफ स्टार्स, तारों भरे, स्काई मीन आसमान, उसके तारों भरे आसमान ने हैज़ एक्साइटेड, एक्साइटेड के मानी होते हैं इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उर्दू में हम लिखेंगे तहरीक दी, उसके सितारों भरे आसमान ने तहरीक दी, किसको, द इमेजिनेशन, तसव्वुर को, तखय्युल को तहरीक दी, किसके इमेजिनेशंस को तहरीक दी, ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, शोरा और मुसाफरों के तखय्युल को तहरीक दी उसके सितारों भरे आसमान ने। अब इसका बा मुहावरा तर्जमा करते चलेंगे। उसके सितारों भरे आसमान ने शोरा और मुसाफरों के तसव्वुर को तहरीक दी। इट वॉज़ इन दिस लैंड, ये इसी सरजमीन में हुआ, दैट के द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बॉर्न, के अल्लाह के रसूल पैदा हुए। कहाँ पर, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में। वो मक्का का शहर कहाँ है, विच इज़ अबाउट 50 माइल फ्राम द रेड सी, वो मक्का का शहर जो कि रेड सी बहीरा अहमर से तकरीबन, अबाउट मीन तकरीबन 50 माइल्स 50 मील से के फासले पर है। अब इस पूरे जुमले को हम बा मुहावरा करेंगे। इट वॉज़ इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लम वॉज बॉर्न, इन द सिटी ऑफ मक्का विच इज़ अबाउट 50 माइल फ्राम द रेड सी, ये इसी सरजमीन में हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। पैराग्राफ नंबर 2, द अरब्स, अरब के लोग, अरब्स मीन अरब के लोग, पोजेस्ड रखते थे, आर रिमार्केबल, रिमार्केबल के मानी है वेरी स्पेशल, स्पेशल रिमार्केबल, ख़ास, अहम, कि वो एक ख़ास किस्म की मेमोरी रखते थे। रिमार्केबल के मानी गैर मामूली या शानदार हम करेंगे, कि अरब के लोग रखते थे गैर मामूली किस्म की मेमोरी, मीन हाफ़ज़ा या जहानत, एंड वर, और वो थे एन एलोक्वेंट पीपल, एलोक्वेंट कहते हैं फ्लुएंट पर्सन को, जो अपनी बातचीत को बड़े अच्छे अंदाज में जो सुनने वाले तक पहुँचा दे उसको हम एलोक्वेंट कहते हैं, फ्लुएंट, फसीहो बलीग, उर्दू में इसको फसीहो बलीग हम कहेंगे, ये मैंने ऊपर लिखा है, आप बच्चे इसको देख के अपनी बुक्स में ऐसे ही रफ वर्क कर सकते हैं, पीपल, लोग। फिर हम इसको करेंगे तर्जमा, इसका तर्जमा, द अरब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी, कि अरब के लोग गैर मामूली हाफजा रखते थे, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और बड़े फसीहो बलीग लोग थे, दियर एलोक्वेंस उनकी फसाहत व बलागत, एंड मेमरी और हाफजा, फाउंड एक्सप्रेशन उसका इजहार मिलता है, एक्सप्रेशन मीन निशानात, इजहार मिलता है इन दियर पोइट्री उनकी शायरी में से, एवरी ईयर आ फेयर, फेयर मीन फेस्टिवल, मेला जिसको हम कहते हैं, मेला या फेस्टिवल, एवरी ईयर हर साल अ फेयर एक मेला वॉज हेल्ड लगाया जाता था फॉर पोइटिकल कम्पिटिशन्स शायराना मुकाबलों के लिए, पोइटिकल कम्पिटिशन
शायराना मुकाबलों के लिए एक सालाना मेला लगाया जाता था। कहाँ पर लगाया जाता था? एट उकाज, उकाज के मकाम पर। उकाज के मकाम पर हर साल शायराना मुकाबलों के लिए एक मेला लगाया जाता था। इट इज़ नरेटेड, नरेटेड मीन टोल्ड, बयान किया जाता है। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है दैट के हमाद ने सेड कहा टू कैलफ वलीद बिन यजीद, खलीफा वलीद बिन यजीद से, आई कैन रिसाइट टू यू, आई कैन रिसाइट, रिसाइट मीन रीड आउट करना या टेल करना, पढ़ना। आई कैन रिसाइट कि मैं पढ़ सकता हूँ टू यू, आपके लिए, फॉर ईच लेटर, हर एक हरफ से, ऑफ द अल्फाबेट, हरूफ तहजी के, 100 लॉन्ग पोएम्स, पूरी 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट के मानी होते हैं किसी को शुमार करना, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट मीन बगैर शुमार किए, बगैर गिने, क्या ना गिने, शॉर्ट पीसेस, छोटे छोटे, एक तब छोटे छोटे टुकड़े नज़मों के या शायरी के, एंड ऑल ऑफ दैट, और वो सारे का सारा कलाम, वाज कंपोज्ड, लिखा गया था एक्सक्लूसिवली, स्पेशली, स्पेशली एक्सक्लूसिवली, मुकम्मल तौर पर, बाई पोइट्स, उन शोरा के ज़रिए से, बिफोर द प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन कहते हैं मेकिंग अप या स्प्रेड, और उर्दू में हम इसको अशात या ऐलान कहेंगे, और वो सारे का सारा कलाम मुकम्मल तौर पर उन शोरा ने लिखा था बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, जो कि इस्लाम की इशात के से पहले थे। इस जुमले का हम बामुहावरा तर्जमा करेंगे। इट इज़ नरेटेड दैट हमाद सेड टू कैलफ वलीद बिन यजीद, ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा यजीद, वलीद बिन यजीद से कहा, हम आगे इन्वर्टेड कॉमास को ऐसे बिगिन करेंगे, डायरेक्ट कोट है तो हम इसको भी डायरेक्ट कोट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, मैं आपके लिए हरूफ तहजी के हर हर हरफ से लंबी एक एक 100 नज़में पढ़ सकता हूँ, वो भी छोटी नज़मों को निकाल कर, और ये सारे का सारा कलाम उन शोरा ने लिखा था जो कि इस्लाम की इशाअत से पहले के थे। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे जैसे कि इंग्लिश में किए गए हैं। नेक्स्ट, इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई छोटी हैरानगी की बात नहीं है। वंडर, हैरानगी को कहते हैं, मोजज़ा, मेरिकल, ये मैंने आपके लिए लिखा है साइड पे, मेरिकल या मोजज़ा, वंडर। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई छोटे मोजज़े की बात नहीं है या ये कोई छोटा मोजज़ा नहीं है, दैट के अल्लाह अलमाइटी, के अल्लाह ताला ने चुना, चूज़, चोज़, चोजन, चोजन, ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस के लिए, कि अल्लाह ताला ने चुना द अरेबिक लैंग्वेज, अरब की ज़बान को, फॉर हिज़ फाइनल डिस्पेंसेशन, डिस्पेंशन, डिस्पेंसेशन मीन अशात, स्प्रेडिंग ऑफ समथिंग, एंड द प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मीन प्रोटेक्शन और सेफ्टी, प्रिजर्व करने से है प्रिजर्वेशन, ऑफ हिज़ वर्ल्ड, वर्ल्ड कहते कलाम को। अब इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई छोटी हैरानगी की बात नहीं है या ये कोई छोटा मोजज़ा नहीं था या ये कोई छोटा मोजज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हतमी, फाइनल के मीन मानी होंगे, हतमी अशात के लिए और तहफ़ के लिए अरबी ज़बान को चुना। पैराग्राफ नंबर 3 हम शुरू करेंगे अभी। इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में, मैनकाइंड, इंसानियत, स्टूड, खड़ी थी, ऑन द वर्ज, वर्ज कहते हैं एज को, किनारे को, दाना जिसको कहा जाता है ना, कि इंसानियत खड़ी थी किनारे पर, किसके किनारे पर, ऑफ कयास,
انتشار، ڈس آرڈر، تباہی۔ کہ پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں انسانیت تباہی کے دھانے پر کھڑی تھی۔ اٹ سیمڈ، یوں لگتا تھا، دیٹ کہ دا سویلائزیشن، کہ وہ تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئرز ٹو گرو، جس نے 4000 سال لیے تھے ترقی کرنے میں، ٹو گرو مین ترقی کرنے میں، ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ، کہ وہ ٹوٹنے لگ چکی تھی، ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ، کہ وہ پہلے ہی ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا بہ محاورہ ہم ترجمہ کریں گے، اٹ سیم سے لے کے کرمبلنگ تک، یوں لگتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو بننے میں 4000 سال لگے تھے وہ پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، یہی وہ وقت تھا اللہ المائٹی کے، اللہ تعالیٰ نے ریزڈ، ریز کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، اپ لفٹ کرنا یا ایلیویٹ کرنا، ٹھیک ہے، اردو میں اس کو ہم بولیں گے مبعوث کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا رسول، ایک رسول کو، امنگ دیم سیلز، جو کہ انہی لوگوں میں سے تھا، امنگ دیم سیلز، جو کہ انہی لوگوں میں تھا، ٹو لفٹ، تاکہ وہ اٹھائے دا ہیومینٹی، انسانیت کو، فرام اگنورینس، جہالت کے اندھیروں سے، ان ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی میں۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے، یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا تاکہ وہ ان لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے اٹھا کر ایمان کی روشنی میں لے جائیں۔ پیراگراف نمبر 4، وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز 38 ایئرز آف ایج، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کی عمر میں تھے، ہی اسپینٹ، تو وہ گزارتے تھے، موسٹ آف ہز ٹائم، اپنا زیادہ تر وقت، ان سالیٹیوڈ، سالیٹیوڈ کے معنی ہوتے ہیں سیپریشن، لونلینس، خلوت اس کو ہم کہیں گے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے خلوت، کہ وہ اپنا زیادہ وقت خلوت میں یا علیحدگی میں گزارتے تھے۔ اینڈ میڈیٹیشن، میڈیٹیشن کہتے ہیں سوچو بچار کرنے کو، تھنکنگ، میڈیٹیشن، مراقبہ جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، تو اپنا زیادہ وقت خلوت میں اور مراقبے میں گزارتے تھے۔ ان دا کیو آف ہیرا، ہیرا کی غار میں، ہی یوزڈ ٹو ریٹائر، ریٹائر کے معنی ہوتے ہیں گوشہ نشین ہونا، گوشہ نشین ہونا، ڈپارٹ کرنا یا گو اوے ہو جانا، ریٹائر، جیسے ہمارے ملازمین ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ ڈپارٹ ہی کرتے ہیں نا، علیحدہ ہو جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، ود ڈرا کر جاتے ہیں، تو ریٹائر کے معنی ہے ود ڈرا کرنا، ڈپارٹ کرنا یا گو اوے، چلے جانا۔ ہی یوز ٹو ریٹائر، تو وہ جایا کرتے تھے یا وہ گوشہ نشین ہوا کرتے تھے، ود فوڈ اینڈ واٹر، خوراک اور پانی کے ساتھ، اینڈ اسپینڈ، اور گزارتے تھے، ڈیز اینڈ ویکس، دنوں اور ہفتوں گزارتے تھے، ان ریمبرنس، یاد میں، آف اللہ المائٹی، اللہ کی یاد میں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے، ان دا کیو آف ہیرا، کہ ہیرا کی غار میں خوراک اور پانی کے ساتھ وہ گوشہ نشین ہوتے تھے اور دنوں اور ہفتوں گزارتے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔